हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ श्वेता। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ओके, तो आज की जो ये वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अपने दो चार ब्लाउज़ के डिज़ाइंस जो कि मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू वीडियो को स्टार्ट करें। तो जो कि फर्स्ट ब्लाउज है वो है ये पिंक कलर में, ये क्रेप का ब्लाउज है। और ये जो ब्लाउज है ये मेरी प्लेन पिंक कलर की, सेम कलर की शिफॉन साड़ी के साथ के ब्लाउज है। तो जो कि इसका जो कि फ्रंट है वो है ऐसे बोटनेक में है, स्लीवलेस है। और जो कि इसका बैक है वो ऐसे ये नेट में बना हुआ है। नेट के साथ यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ये जो है ये बटन्स मैंने दिलवाए हुए हैं यहाँ पे, ताकि एक फैंसी सा लुक आ जाए, क्योंकि इसमें नेट है तो इसलिए मैंने इस ब्लाउज को भी को पैडेड बनवाया है। जो कि सेकेंड वाला ब्लाउज है वो है ये लाइम शेड में, ये अगेन एक क्रेप साड़ी के साथ का ब्लाउज है। एंड आप इस पे जो भी ये मोती का काम देख रहे हो तो ये ब्लाउज पे किया कराया था, क्योंकि मेरी पूरी साड़ी पे ना ये मोतियों का काम किया हुआ है। तो इसको ये ना एक्चुअली ये वाला जो मोती का काम है ये वाला ब्लाउज के बैक में यूज करने को दिया गया था, बट मैं इसका जो बैक है वो डीप रखना चाह रही थी। ब्लाउज के बैक को मैं डीप रखना चाह रही थी, तो फिर मैंने जो कि बैक वाला डिज़ाइन था उसको मैंने यहाँ फ्रंट में यूज़ कर लिया, ताकि ये जो एम्ब्रॉयडरी है मोती की वो वेस्ट ना हो। और सामने से ये सारी ट्रांसपेरेंट है तो ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो सामने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इसके स्लीव्स पे भी ऐसा सेम काम है, पूरी साड़ी में, मेरे पूरी साड़ी में ऐसा बॉर्डर है एंड बीच में बूटी है मोती की। एंड साथ में मैंने इसमें लगाया हुआ है ये मोतियों वाला ही लटकन। मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर ब्लाउज तो नहीं पहनती, सिंपल सोबर ही पहनती हूँ, तो जो भी है वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो डिज़ाइन है जो कि फ्रंट में दिया हुआ है ये बैक डिज़ाइन के लिए था। तो अगर आप भी कोई ऐसा ब्लाउज आपके पास भी है जिसको आप डीप नेक रखना चाह रहे हैं और पीछे से डीप रखना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो वेस्ट ना हो, तो आप बिल्कुल ऐसा ब्लाउज़ अपने लिए बनवा सकते हैं कि जो बैक वाला पार्ट है उसको फ्रंट में यूज़ कर लिया, उससे ब्लाउज़ की ब्यूटी भी बनी रहेगी, आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी वेस्ट नहीं होगी और वो बहुत सुंदर दिखेगा। और मेरे मोस्टली अगर मैं डीप नेक रखती हूँ तो मैं अपने ब्लाउज़ को पैडेड ही रखती हूँ, ताकि जो स्ट्रैप है वो बिल्कुल नज़र ना आए, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्ट्रैप निकल जाए तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील देता है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। जो कि नेक्स्ट ब्लाउज है वो है ये, यहाँ पे मैंने एक कॉलर वाला ब्लाउज बनवाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलर बना हुआ है। और कॉलर बन के सामने से जो है ये हार्ट शेप का नेकलाइन है, और पीछे से जो है इसका जो बैक है वो काफ़ी डीप है, बट इसको मैंने पैडेड नहीं बनवाया क्योंकि ये इतना ज़्यादा मतलब पीछे से बहुत ब्रॉड नहीं है कि मतलब इसमें से कोई भी स्ट्रैप वगैरह शो हो, तो इसको मैंने नॉन पैडेड बनवाया है। और जो भी स्लीव है मैंने इसको क्वार्टर रखा है, पीछे जो मैंने ब्लाउज लाइम शेड वाला दिखाया था क्वार्टर नहीं सॉरी एल्बो के ऊपर रखा है, क्योंकि आजकल जो है स्टैंडर्ड वही एल्बो के ऊपर वाला अपना स्टैंडर्ड जो है स्लीव्स वैसा ही चल रहा है। और ये जो ब्लाउज है ये एक सिल्क साड़ी थी मेरी दादी की, तो फिर दादी की सिल्क साड़ी तो मैंने ले ली, बट ब्लाउज के लिए मैंने अलग से ये ब्रोकेट का फैब्रिक लिया और मैंने उस फैब्रिक से ये वाला ब्लाउज स्टिच करवाया है। तो इसकी जो साड़ी है वो ऑफ वाइट साड़ी है, साथ में उसका पिंक का पूरा बनारसी बॉर्डर है, तो इसलिए मैंने ये ब्रोकेट वाला फैब्रिक यूज करके उसका ब्लाउज बनाया है। नेक्स्ट जो कि ब्लाउज है वो है ये फिरोजी कलर में, ये जो है ये जॉर्जेट में है, जॉर्जेट फैब्रिक में है, और ये मेरे पास खड्डी जॉर्जेट की साड़ी है, ये ब्लाउज उसका है। और ये सामने से जो है वो इसका राउंड नेक मैंने बनाया हुआ है, और जो बैक है वो भी इसका बिल्कुल डीप राउंड बना हुआ है।
और ये जो आप देख रहे हो ये मैंने अलग से ना एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है इस ब्लाउज पे, क्योंकि ये मुझे जो साड़ी है इस ब्लाउज की ये मुझे ना किसी शादी में पहननी थी, तो साड़ी में ओवरऑल जो था ना वो सेल्फ में ही जरी का काम था, फिरोजी पे गोल्डन, तो वो लाइट पड़ने पे बहुत सुंदर दिख रहा था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना इस ब्लाउज को हैवी कर लिया जाए, तो मैंने इसलिए इस पर जो है वो वर्क करवाया। और साथ में देखो यहाँ पे मैंने ये एक पेजली भी बनवाई और ज़्यादा हैवी करने के लिए इस ब्लाउज को, और ये पूरा जरी का काम किया हुआ है। बैक भी आप देख सकते हो, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसका जो बैक है यहाँ पे भी ये पूरा जरी का काम है। साथ में मैंने यहाँ पे भी एक छोटी सी पेजली बनाई है, साथ साथ में ही मैं ब्लाउज का जो है वो पिक्चर भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको डिटेल जो है ब्लाउज की वो पिक्चर में भी दिखते रहे। नेक्स्ट जो कि ब्लाउज है वो है ये ब्लू कलर में, मिडनाइट ब्लू कलर में, तो इसमें जो है इसमें भी बोट नेक बना हुआ है, बट जो कि फ्रंट है यहाँ पे मैंने ये नेट फैब्रिक का सेम कलर का जो है नेट फैब्रिक डाई करवा के और ऊपर मैंने ये नेट फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। स्लीव्स में भी ये नेट फैब्रिक यूज़ हुआ है और इसके जो स्लीव्स है वो शॉर्ट है, ये शिफॉन साड़ी की ब्लाउज है एंड पीछे से ये राउंड नेक बना हुआ है। और मेरे जो भी ब्लाउज होते हैं वो सारे बेल्ट वाले होते हैं, और इसका भी जो हुक है वो पीछे है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट साड़ीज के जो भी जितने भी मेरी ट्रांसपेरेंट साड़ीज हैं जैसे शिफॉन की हो गई, जॉर्जेट की हो गई, तो उन सब का जो हुक है मैं उसको बैक में ही रखती हूँ। ये जो कि लास्ट ब्लाउज है आज के लिए वो है अगेन ये नेट फैब्रिक में, ये पूरा नेट का फैब्रिक है, साथ में सीक्वेंस का काम है इस फैब्रिक के ऊपर। साथ में मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक कट लिया हुआ है जो कि बहुत स्मार्ट लगता है, और हमेशा कट लेते समय ध्यान रखिएगा कि वो आपका राइट हैंड साइड में रहे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम पल्ला लेते हैं। और ये जो ब्लाउज है इसकी खासियत ये है कि ये फुल स्लीव्स में है और ये प्लेन वाइन शेड की साड़ी है मेरी क्रेप की, उसके साथ मैंने ये फुल का सीक्वेंस वाला नेट के साथ सीक्वेंस वाला ब्लाउज बनाया हुआ है। इसका जो बैक है वो सिंपल राउंड में है और काफी डीप बैक बना हुआ है इसका, साथ में ये लटकन लगी हुई है। और आप बिलीव मी गाइस, ये जो फुल स्लीव्स के ब्लाउज हैं ये पहन के बहुत ज्यादा स्मार्ट लुक देते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक देते हैं। तो मैं साथ में पिक्चर इसकी शेयर करूंगी, और कभी मैंने ये साड़ी वेयर करी तो मैं जरूर शेयर करूंगी पिक्चर आपके साथ। हाँ अच्छा, इस ब्लाउज में एक चीज़ और है कि इसके जो स्लीव्स में है मैंने कोई भी लाइनिंग नहीं दिलवाई है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बहुत स्मार्ट लगता है पहन के, तो इसमें आप भी बिल्कुल अस्तर मत दिलवाइएगा, कंफर्टेबल भी नहीं लगेगा, ऐसा बहुत मोटा मोटा सा लगने लगेगा जो है हाथ में। तो आप इसको विदाउट लाइनिंग, स्लीव्स को विदाउट लाइनिंग रखिए, और बाकी पूरे ब्लाउज में तो ऑब्वियस है कि लाइनिंग लगेगी ही लगेगी। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे जो सिंपल ब्लाउज के कलेक्शन है आपको पसंद आए हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड ऑल्सो कुछ मुझे सजेशंस दीजिए कि और मैं किस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।